हेलो गाइस, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और होप सब आप बढ़िया होंगे। तो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब जाएंगे अपने काम पे और बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं पे दिखाता रहूँगा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जाने वाले हैं केशवपुरा टू में। और पहले मैंने एक व्लॉग डाला केशवपुरा का, वो केशवपुरा वन है, ये टू है। तो चलते हैं सीधा वहीं पे, और वहीं पे सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगा कि मैं काम क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तो बने रहना वीडियो में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो तंदूर जल रहा है। अब बनेंगी इसमें तंदूरी रोटियां, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा हमारे यहाँ पे तंदूरी रोटी बनती है। और मैं तंदूरी रोटी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी ये मेरे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं सामने, आप देख सकते हो। जिगराओं के पास ये एरिया पड़ता है, आप पीछे देख सकते हो। अभी अभी हम काम कर रहे थे, अभी हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया है, थोड़ा काम बाकी है। दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने काम किया और क्या अभी काम बाकी है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने आज क्या काम किया है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये हमने लगाए हैं माइकोरेटर, ये देख सकते हो आप माइक्रोरेटर। इसके कनेक्शन भी हैं, कनेक्शन भी करे हैं, इसकी पाइप भी इस फिक्स करी है। तो ये लगाए हैं ये, ठीक है। वो आगे भी वो पांच पांच ये लगाए हैं। अभी इसमें गैस बनना चालू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अभी गोबर डालना शुरू नहीं करा। ये देख सकते हो मीटर, पढ़ सकते हो आप, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस पे। और उसके बाद आ जाओ, आगे का काम जो हमने किया है वो आपको दिखाते हैं। देख सकते हो पीछे उनका फार्म है कितना बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो ये काम किया हमने। हाँ, ये पैनल का काम किया सारा, चेंज ओवर थ्री फेज, और साथ में ये मोटर, मोटर स्टार्टर, एमसीबी और सारे काम वगैरह ये कंप्लीट करें। उसके बाद आ जाओ डीजी पे, डीजी पे वर्क चल रहा है। आ जाओ आपको करीब से दिखाता हूँ कैसे काम होता है यहाँ पे। यहाँ पे कनेक्शन किए जा रहे हैं धनराज के द्वारा। बस अभी थोड़ा सा काम बचा है, फिर कहीं और निकलना है हमें, तो इसलिए बोला कि जल्दी जल्दी करो और निकलते हैं। वैसे भी 4 बज चुके हैं और सोचा था जल्दी निकल जाएंगे, पर आज थोड़ा लेट हो गए किसी प्रॉब्लम की वजह से। और ये तुम्हारे भाई के हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, देख सकते हो आप, अब बेटर है। देख सकते हो हर एक चीज़। उसके बाद आ जाओ दिखाते हैं आपको एक और चीज़, ये बाइक है जिस पे हम आते हैं। और आगे चलते जाओ चलते जाओ। और ये सारा रोड है, कच्चा रोड है एकदम। और ये देखो सरसों की खेती एकदम हरी भरी मस्त एकदम, जिधर भी देखो बस बहुत बड़े फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है सरसों की खेती का। बहुत प्यारा भी व्यू है, कैसा
कैमरे में आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन रियल में देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। लव यू गाइस। चलिए आपको दिखाता हूँ इंग्लैंड से आया हुआ ट्रैक्टर। ये इंडिया में बहुत कम है और ये पंजाब में सिर्फ दो ट्रैक्टर हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। आप देख सकते हो फोर्ड 6600, फोर्ड 800 देख सकते हो आप। कलर देखो, मेड इन इंग्लैंड। और ये टपाली 3 में है और वहाँ के फार्मर के पास है, ऐसे सजा के रखा है। देखो कितना शानदार ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। कलर भी देखो कितना अच्छा है। आ गया आ गया।
हाँ उधर पैनल नु होगी पैनल वाली होगी क्यों करना हां फ्लैश ले जा ते जेडी अंदर अपन न्यूट्रो फेज में तो आर्किंग देखी है हां वो खोल ला